हेलो लियो, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं थर्ड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर लियोस। Hierophant, Nine of Swords, Eight of Stars in reverse, Justice. And master. तो यहां पर हमारे पास कार्ड है जस्टिस का। फाइनली जस्टिस का टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा अपसेट कर चुका है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, और अब ये समझने का वक्त आ गया है इस इंसान के लिए कि आपके जितना हर्ट होना कैसा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योर है, क्योंकि यहां पर आप द हायरोफेंट का कार्ड देखें, ये शो कर रहा है आपकी विजडम को, आपके एफर्ट्स को, आपकी सहनशीलता को, आपके पेशेंस को। आपने ऑलरेडी इस पर्सन को बहुत ज्यादा टॉलरेट किया है, आपके अंदर विजडम है चीजों को हैंडल करने की, और आप जानते हैं कि आप कौन है। प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ आप नहीं जानते, ये पर्सन भी जानता है कि आप कौन हैं। और मेरे ख्याल से आपका उनसे बेटर होना या आपका उनसे वाइजर होना उनके लिए किसी तरीके से एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ही सबसे ज्यादा जानते हैं, या फिर वही सिचुएशन को ढंग से हैंडल कर सकते हैं, या फिर उन्हें आपसे ज्यादा अटेंशन मिलना चाहिए, उन्हें आपसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं, अप्रिशिएशन या आपको जो भी अटेंशन मिल रहा है अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से या दूसरों से, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस पर्सन को इन्फीरियर फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो कंपैटिबल नहीं है इनफ। अब नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को कुछ बहुत बुरा फेस करना पड़ा है शायद। यहां पे बुरे से मेरा मतलब है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है एग्जैक्टली वैसा ही कुछ फेस करना पड़ा है, क्योंकि ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है। ये ऐसा है जैसे उन्होंने आपसे कुछ कहा हो, आपके और उनके बीच आर्ग्यूमेंट हुई हो, और तुरंत उनको किसी और से यही सुनने को मिला हो, या कुछ इससे भी ज्यादा। एंड अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि जो उन्होंने कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आप जो कह रहे थे आप सही कह रहे थे। द हायरोफेंट के साथ अब ये पर्सन मानने को मजबूर है कि आप उनसे ज्यादा वाइज हैं, आप उनसे ज्यादा समझदार हैं, आप उनसे बेहतर डिसीजन लेते हैं। तो ये पर्सन इमिडिएटली रिग्रेट कर रहा है, ये एक इंस्टेंट कर्मा है। यूजुअली ऐसा होने के लिए टाइम लगता है, पर इस पर्सन को अपने किए का जो भी रिजल्ट है वो तुरंत मिला है। एंड ये अब इस नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को हैंडल कर रहे हैं। एट ऑफ स्टार रिवर्स में है,
ये वक्त है बाउंड्रीज को तोड़ने का, लिमिट्स के आगे बढ़ने का। शायद आप बहुत समय से अपने आप को इस डार्कनेस में रखे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप एक जगह पे पॉज से नहीं हो, आप फिक्स्ड हो गए हैं एक पर्सन पे शायद। तो आपको कहा जा रहा है कि इससे आगे देखिए, क्योंकि आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। यह मास्टर का कार्ड है। डेफिनेटली आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप दूसरों से बेहतर हैं, और आपको दूसरों का सपोर्ट भी मिलेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लोगों को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका विजडम, आपकी समझदारी, ये दूसरों के काम आ सकती है। तो इस वक्त अपने आप को संभालना आपके लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, ये आपको इस सिचुएशन से बाहर ले आएगा जिसमें आप इस समय स्टक हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Moon, Two of Stars, Six of Moon, Four of Swords, and the Moon. तो हमारे पास Moon का कार्ड है। यहाँ पे आपके ड्रीम्स बहुत स्ट्रांग है और आपके इमोशंस भी। लियो, आप जो ड्रीम्स में देख रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये पर्सन वो एनर्जीज आप तक भेज रहा है। शायद ये पर्सन भी आपके बारे में ड्रीम कर रहा है। आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग हैं कि अब वो रियल लाइफ से आगे जा रहे हैं। ये कुछ एस्ट्रल रियाम के बारे में है। इनफैक्ट ये जो ड्रीम्स है आपके, ये एनर्जेटिकली डायरेक्टेड है आपकी तरफ, तो इस पर फोकस कीजिए। और यहां पे फाइव ऑफ मून है। फाइव ऑफ मून के साथ आपको फोकस करने की जरूरत है। इस वक्त आपके लिए फोकस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर ट्रस्ट मी, ये बस एक टाइम है, ये बस एक एनर्जी है जो जल्दी ही ओवर हो जाएगी एंड आप इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाएंगे। पर इस समय आपके लिए आपका दिमाग यूज करना जरूरी है बजाय इमोशंस के, क्योंकि इमोशंस आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और टू ऑफ स्टार के साथ आपकी ये जो फ्रेंडशिप है या जो ये आपकी रिलेशनशिप है, ये स्ट्रांग है, ये इतनी आसान नहीं है कि फोर ऑफ स्टार्स के साथ इस पे कोई असर आए। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे आपके पर्सन को लोग मैनिपुलेट कर रहे हों, आपके पार्टनर को आपके खिलाफ एडवाइसेस दी जा रही हो, या ये कहा जा रहा हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता। पर इस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है और ये इन सब चीजों से बाहर आ जाएगा। और यहां पे है सिक्स ऑफ मून। सिक्स ऑफ मून के साथ ये एक पुराना रिलेशनशिप हो सकता है एंड शायद इस वक्त आप दोनों अपने पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, पास्ट से कनेक्टेड हैं। और कहने का मतलब बस यही है कि पेशेंस रखिए, अपने दिमाग का यूज कीजिए। इस वक्त इमोशन से काम लेने से नहीं चलेगा एंड अपनी बाउंड्री से बाहर आने की जरूरत है। शायद आप बहुत समय से एक जगह पर फिक्स्ड है, अपने इंट्यूशन को सुनिए। ओके,
चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आई हूँ। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज को दोबारा डिफाइन करने का टाइम आ गया है, दूसरी बाउंड्रीज को क्रिएट करने का टाइम आ गया है जो इससे बेहतर हो। अपने लिए बेहतर सोचिए और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। तो ये थी रीडिंग नवंबर के थर्ड वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।